कहाँ है भाई आपके डीएस? बोलो ये पूरा लेबर का ही है मोस्टली डीएस के जो हाँ पूरा लेबर के दूसरे ऑफिस होते हैं ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड का है एंड वन रूम क्या नाम है आप माशा कॉफी भट्टी सर अच्छा डिप्टी सेक्रेटरी नॉर्थ अपना जो बोर्ड है अच्छा ओपी भट्टी हाँ ओपी भट्टी बोर्ड में है हाँ जी सर अच्छा दो डिस्ट्रिक्ट हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट अच्छा नॉर्थ सर नॉर्थ वेस्ट के कौन है नॉर्थ वेस्ट के वो छुट्टी कह रहे थे अच्छा ये नॉर्थ वेस्ट का स्टाफ बैठा सर छुट्टी किससे लेते हैं हेडक्वार्टर अप्लाई करते हैं पता करो ज़रा छुट्टी का आप लोग किस लिए आए हुए हैं आप हाँ जी रेनू के लिए किस चीज़ के रेनू के लिए निकल नहीं रहा ये कंप्यूटर पर निकल नहीं रहा ये कंप्यूटर पर निकल नहीं रहा था सर तो इस मारे आए हैं यहाँ ये आपका जो आपने निकाल रिन्यू के लिए ना क्यों नहीं हुआ ये कंप्यूटर पे वहाँ निकल नहीं रहा कहाँ पे कंप्यूटर पे अप्लाई किया था यहीं से किया था नहीं किस जगह यहीं अच्छा तो आपने क्या क्वेरी बोली कि किस चीज़ के लिए अप्लाई किया इन्होंने ये कहा था कि आप बाहर से किसी भी सैलरी कैप से निकलवा लो ये अच्छा, सिर्फ प्रिंट निकलवाना है अपने लेबर कार्ड ये अपने यहाँ पे दिखा के प्रिंट निकलवाएं तो हाँ अब ये यहाँ से निकाल के देंगे अब ये इसलिए यहाँ बैठ आए हुए हैं अच्छा आप किस लिए हो सर मेरे को तभी रेनू करवानी थी ना फोर लाइन करवाना था हां फोर लाइन करवाना था सर सर इनका भी सेम वही फोर लाइन ऑनलाइन इन्होंने लेबर कार्ड यहां से ये दिखाते हैं लेबर कार्ड प्रिंट कर वापस रेनू कराना है अच्छा अच्छा सबका रेनू का है ये कौन सा है कौन सा नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ वेस्ट होता है ये बाहर तीन विंडो बैठिए आप काम करिए मॉर्निंग सर मॉर्निंग काम करिए आप आपस में दूरी बना के रखिए सब लोग पीछे ऐसे घर जाओ मास्क हटा दो क्या है ये क्या कर रहे हो सर वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर व्हाट सर ये रजिस्ट्रेशन तो ये नया रजिस्ट्रेशन है या पुराना है नया है मैनेजर कौन है आपकी मिस्टर मनोज कुमार कहाँ है 108 नंबर ऊपर बैठे बुलाओ जरा मनोज कुमार सर वाले सिस्टम पे चलती है सर यहाँ नहीं चलती है सर एक इस पर इंस्टॉल करनी पड़ती है ना सर अलग से वो सभी में नहीं चलता रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो यहाँ पे चेक नहीं हो सकती है नहीं वो इस पे नहीं हो पाएगी चेक करवा दीजिए चलिए आपके ये सब लेबर का ही है बताइए नंबर क्या हाँ सर नंबर बता दीजिए 51 अभी हम बैठते हैं यादव जी आइए बैठिए आप बैठ के करिए मनोज बैठिए आप बैठ के करिए 51 अच्छा जी सर नंबर 5131 इनकी कंप्लेंट आई है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी सर क्या नाम है इस जसबीर कपिल नहीं सर एक मिनट नाम बताओ कपिल देव इनकी लाइव फोटोग्राफ दिखा दीजिए सर जो पासपोर्ट साइज है वही लाइव फोटोग्राफ है जी ये लाइव है फोटोग्राफ नहीं सर लाइव नहीं है सर ये तो बिना लाइव के ले ली सर किस समय की देखना पड़ेगा क्योंकि नहीं किस समय की क्या ये बताओ ना कैंप के समय एक मिनट यही तो देखना है ना मतलब पहले तो ये मान रहे हो ना कि ये फोटोग्राफ जी सर फोटो वाली है सर ये जो ऊपर फोटोग्राफ लगी है जी सर ये और नीचे वाली एक ही है जी सर है ना जी ये कायदे में लाइव होनी चाहिए जी सर है ना जी तो गड़बड़ तो है नहीं सर उस सर समय का है सर मैं बताता हूँ क्या ऐसा अलाउड है कि आप लाइव फोटोग्राफ जो है क्योंकि लाइव फोटोग्राफ का मतलब है आदमी यहाँ आएगा कैमरे के सामने आप उसका फोटो खींचोगे जी सर और उसके बाद ये माना जाएगा कि वो जो फॉर्म पे फोटो लगी है और ये मैच कर रही है जी सर तो आपने फॉर्म वाली फोटो की ही फोटो खींच के यहाँ लगा रखी है ये तो गलत है जी अब आप बताओ कि ये कब का है सर ये है 15 सितंबर का सर
सितंबर में सर कैंप लगे थे सर, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में दो कैमरे इश्यू हुए हैं सर, दो कैमरे इश्यू हुए थे सर बोर्ड की तरफ से, और वो कैमरे सर उस समय कैंप में थे तो, और यहाँ पर सर भीड़ गेट के बाहर काफी हो रही थी और उस समय सर ने भी आईडी चलवाई थी, हम केवल दो बंदे थे सर करने वाले। तो ये गलत है कि नहीं है सर? है, पर उस समय हमारे पास लाइव चारा नहीं था सर। फिर लाइव फोटोग्राफ लेने का मतलब क्या हुआ, जब आप सीधे सीधे अगर फॉर्म पे भरा हुआ फोटोग्राफ उठा के ही आप लाइव फोटोग्राफ में लगा रहे हो? क्योंकि उस समय सर कैमरा, इसका मतलब आदमी आपके ऑफिस में नहीं आया है सर? आए हैं सर, लाइन पे लगे सर, डील किए, और सर उस समय की बात है जब कैंप लगे हुए थे। और बता दो, और कैंप के सामने जी सर, ठीक है, कैमरे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, और देख लेते हैं जी सर। नहीं डबल, हाँ डबल फोर सेवन। क्या नाम है? बेजू सर। फीमेल की फोटो अपलोड कर रखी है, बताओ। ये देखिए बैजू शाह का फॉर्म है और नीचे फीमेल की फोटो लगी हुई है, लाइव सिटीजन फोटोग्राफ में फीमेल की फोटो इन्होंने खींच के लगाई हुई है सर। वो विंडो पे होता है सर ये काम सर। मैनेजर आप है कि मैं हूँ सर? जी सर। ये कैसे सर, ये किसी को लगा कैसे, ये लाइव में कैसे आ गया ये? सर रोजान लाइव में सर इसका यही होता है कि सर इसको हम क्लरिकल मिस्टेक जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि 400 500 की भीड़ आ रही है, पड़ रहा है जेंट्स का है, यहां आप फीमेल का फोटो ले रहे हैं, इतना नजर नहीं आ रहा है, क्या क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है इसमें? इसमें क्या क्लरिकल मिस्टेक, नाम क्लरिकल मिस्टेक है, आपको दिख नहीं रहा है महिला का फोटो है सर? नंबर से सेव करते हैं ना सर नंबर, बट यू आर टेकिंग फोटोग्राफ, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि फीमेल है या मेल है? सर फोटो तो सर डीलिंग है, सर विंडो पे ले रहे हैं सर, मेरे को पता। इसके बाद आपके पास आती है? नहीं सर, वो डायरेक्ट आईडी पर जाती है सर। फिर डायरेक्ट अप्रूव कौन करता है? डीएसआर की आईडी पर जाते हैं सर। जो प्रोसीजर है वो ये है कि डीलिंग असिस्टेंट के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद सेक्शन ऑफिसर या डीएस, डीएस अप्रूव करता है। नहीं सर वो अब नहीं आती सर, वो पहले स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन हुआ ना सर तब मेरी आईडी पर आती थी सर। ये कब का है? ये 18 दिसंबर है सर। ये तो तब का नहीं है, कैंप के दौरान का? नहीं ये नहीं है। इसकी फाइल निकालो सर, ये इससे पता चलता है सर। इसका नंबर बताओ, एप्लीकेशन नंबर 5048। पहले ये प्रोसीजर था कि सर की डीएसए मेरी आईडी पर आती है। ये किसने किया ये देख, यहां सर इसकी आईडी की आईडी किसकी है? 5048 सर, 5 times 0 सर, 5 0 1 2 3 4 5 30 30 447। बैजू सर का नाम है? जय किशन। बैजू बैजू शाह। बैजू शाह इसमें आपके जिस डीलिंग असिस्टेंट ने अप्रूव किया है वो भी, उनका भी तो आएगा ना नाम? हाँ सर। अप्रूव किया है? आइए आपको दिखाते हैं इनका करिश्मा क्या कर रहे हैं लोग, दिखाओ जरा एक बार मैडम को, कमिश्नर मैडम है ये देखिए। इनको सिस्टम ये कहता है कि ये आदमी होगा, ये अप्लाई करेगा, इसका एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, फिर ये वेरीफाई करेंगे, बंदे को यहाँ बुलाएंगे, बंदे को बुला के यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। बैजू शाह नाम का आदमी है, फॉर्म पे फ़ोटो ये लगा हुआ है, यहाँ लाइव फ़ोटो ये लगा हुआ है इसका, ये रजिस्ट्रेशन चला रखा है इन लोगों ने यहाँ। इसको मैडम कह रहे हैं कि क्लरिकल मिस्टेक है। ये क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है? क्लरिकल मिस्टेक डायरेक्ट डीए की आईडी से सर, डीएस डायरेक्ट वायरेक्ट मैं नहीं जानता हूँ, मैनेजर आप हो कि मैं हूँ? पहले मेरी आईडी पर आते सर तब चेक होते थे, अब मेरी आईडी पे आते नहीं सर, जो डीलिंग असिस्टेंट से मतलब सीधा फिर डीएसआर की आईडी पर चला। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जी सर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। और भी? हाँ सर काफी है। निकालो और। जी सर। और बताइए आप मैनेजर? जी सर। हाँ जी मैम। और खोलिए सर, दिसंबर का आप तो दिसंबर में मैनेजर था ना यहाँ, आप यहाँ था इसमें सर? अभी आपके जितनी ये सारी बोगस रजिस्ट्रेशन आई है उनमें जो डीलिंग असिस्टेंट है उसका भी नाम होएगा? हाँ सर। क्या होएगा निकालो जरा, अभी जो बोगस निकल रहा था जिसपे वो महिला वाला ही निकालो जिसमें महिला का फोटो है। लेकिन अप्रूवल आप डिप्टी सेक्रेटरी करेगा, आपका फोटो सब देके आपके पास पास करके तो डिप्टी सेक्रेटरी? नहीं मैडम डायरेक्ट जाते हैं, पहले था ये चेंज थी सर कि डीएसए पहले मैनेजर के पास फिर आगे, अब नहीं है सर मैडम।
ये था। इसमें डीलिंग असिस्टेंट कौन है? इसमें तो मेरी आईडी चली हुई है। आपकी आईडी चली हुई है ना? हाँ, क्योंकि सर अभी मैं बता देता हूँ वो रीजन भी आपको। एक सेकंड, रीजन नहीं समझना है, केवल दो की आईडी चल रही है सर। ठीक है, ये यहाँ पे और आगे आओ, नीचे महिला का फोटो लगा हुआ है। ये कैसे? ये सर रजिस्ट्रेशन नंबर से फीड करते हैं फोटो को, फोटो खींच। आईडी भी इनकी है, आईडी दिखाओ खोल के जरा। आपको डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाते हैं फीमेल वुमन। ये देखिए, दो बार आपके पास आई है। क्या करोगे आप? नहीं सर, ये डायरेक्टली इस आईडी से सर के पास। हाँ, तो आपकी आईडी से गई है ना? जी, डिस्टिंग में सर एक तारीख से दो या तीन आईडी चल रही है सर। इनके निवास में ओके किया गया है सब, इनके निवास में ओके लिखा हुआ है। ओके लिखा हुआ तो इस सर। अब आप ऐसे करिए, अपना बैग पैक करिए और घर जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है सरकार में। ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं जिनको इतना समझ में नहीं आता हुआ। पैक योर बैग एंड गो होम, इनका टर्मिनेट कर दीजिए तुरंत। और डीलिंग असिस्टेंट कौन है इसमें? डीलिंग नहीं है सर, मेरी ही आईडी यूज हुई है सर। आपकी आईडी यूज हुई है ना, बस ठीक है, आप घर बैठिए। आप गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, और तुम लोग यहाँ पैसा खा खा के उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हो। गो होम, टर्मिनेट कर दीजिए। इनको अभी यहाँ से हटाइए, इनकी आईडी वगैरह ले लीजिए सर, और इनको हटाइए यहाँ से। जाइए बस, आप आ जाइए। ये हैंड ओवर वगैरह करिए अपना पूरा। ये आप इनको चार्ज दे दीजिए फिलहाल के लिए, आज के लिए है ना, नॉर्थ के इनको चार्ज दे दीजिए। और जो भी इनका प्रोसीजर है इनको रिलीव, सुनिए इनके सारे आपके पास चार्ज है अभी नॉर्थ वेस्ट का? मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल लिंक ऑफिसर आप ही हो ना, तो आप चार्ज लेके इनको फ्री करिए यहाँ से, और इनका ऑर्डर कर दीजिए टर्मिनेट करने के, बा ऑर्डर टर्मिनेट कर दीजिए इनको। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 बार आ चुके हैं। किस लिए? तो जो लॉकडाउन के वक्त 1000 रुपये आ रहे थे फादर वगैरह के, तो उस टाइम भी हम मतलब मैं तो रिन्यू करना है या क्या? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो 5000 आने थे उनके बेस पे मेरे को कॉल आया कल शाम को कि आपके पापा के पैसे आ गए। मैंने कहा नहीं सर, मैं 3-4 बार हो चुका, मैं विकास भवन जो इनका सेंटर है वहाँ पे भी होके गया हूँ। तो उन्होंने कहा आप दोबारा आ जाओ और पेमेंट लेके आ जाओ। तो मैंने अपने आंटी की दो मतलब छुट्टी भी करके आया हूँ, और यहाँ पर मतलब दोबारा वो हुआ नहीं था। क्लेम लेना है सर, रिन्यूअल करवाने के लिए बार बार बुलाया जाता है। जो 10,000 रुपीज़ कोविड फंड आना था उसके लिए जानबूझ के हरास करते हैं कि हमारे पर रिकॉर्डिंग्स होते हैं कि 2,000-4,000 रुपये मांगते हैं, जो 10,000 इनके अकाउंट में है। अब मेरा अकाउंट में हमारे फादर को कुछ भी नहीं है, मेरे पापा खुद कहते हैं कि मतलब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा पापा मैं जा रहा हूँ आपके थ्रू। किस नंबर से फ़ोन आया था आपके पास? किसका नंबर है सर? ये लैंडलाइन का नंबर है। जी सर, मुझे कॉल करके बोला गया, तो मैंने रात को दोबारा इनको कॉल करी। ये कहाँ बैठे जी? फोन आप सुनिए ना, फ़ोन करो जरा इस नंबर पे। कहाँ का नंबर है आप, आपके पास तो होगा ये नंबर? 4:30 बजे गया था। सिम नंबर? नंबर ये नंबर देखो जरा कहाँ का है। मुझे नंबर नंबर बोलो सर, 1117 लैंडलाइन है ना? हाँ हाँ, बोलो 1127309038 ठीक है, अभी पता करते हैं कहाँ का नंबर हमारे यहाँ का होगा। कहीं का स्पीकर पे ले लो जरा। देखो जरा अंदर बज रहे हैं। हाँ देखो, हेलो कौन? मनोज? हाँ, इन्हीं के यहाँ से नंबर आपका है? ओके, ये कंफर्म करना था। ठीक, तो यही फ़ोन कर रहे थे ना अभी यहाँ से? यही यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं लोगों को और फिर हैरेस करते हैं, पैसा मांगते हैं लोगों से।
मैं एक्चुअली सर 3 बार आ चुका हूँ। एक बार यहाँ आया था तो मैं जमा करा के गया डॉक्यूमेंट्स, फिर दोबारा आया था, फिर मैं उन्होंने कहा आप जाके विकास भवन जो है इसका जो सेंटर है आप वहाँ जाके बात करो। मैं यहाँ से विकास भवन खुद गया हूँ, जबकि लॉकडाउन के वक्त कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। क्लेम कहाँ देखे जा रहे हैं? क्लेम यहीं देखे जा रहे हैं इनके, क्लेम भी इन्हीं के पास देखे जा रहे हैं। हाँ जी, क्लेम के लिए क्लेम बहुत स्टाफ यहाँ बैठा रहा था। और कौन है स्टाफ? इनको तो हटाओ यहाँ से, दूसरे स्टाफ को बुलाओ। अच्छा सर, अभी जो 7 लोग थे ना इनके, अभी जो एक एजेंसी हमारी हटी है इसमें 8 लोग नॉर्थ वेस्ट के चले गए ना सर। ठीक है सर, अभी इनके पास स्टाफ जो 50% कम हो गया तो 7 या 8 लोग। अरे टोटल सर कितने रिश्ते दिखाए पर? 9 लोग हैं जिसमें एक। आपने इनको फ़ोन करके बुलाया कि आप क्लेम के लिए आ जाइए? सर जिनके पैसे नहीं गए ना सर, वो लिस्ट आई है बोर्ड के आगे। और उसके बाद मैं आप कहाँ गए थे? सर मैं विकास भवन में गया था। मेरे को नहीं, यहाँ क्यों फिर यहाँ किसी से मिले? सर मैं अभी आया हूँ जस्ट, इन्होंने कहा 10 बजे के बाद आना, तो मैं 10 बजे दोबारा आया हूँ। इन्होंने कहा कि 108 नंबर में, तो फिर मैंने पूछा यहाँ पे जो ऑफिसर खड़े थे, मैंने कहा सर रूम नंबर 108 कौन सा है? इन्होंने कहा ये है। मैंने कहा सर ये डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, कह रहे हैं ये लाइन लगी हुई है आप लाइन में लगे, तो मैं यहाँ लाइन में लग गया। जैसे प्रोसेस है और यहाँ पे तो यहाँ किसी और आदमी को बिठाओ इनकी जगह क्लेम के पेपर्स के। मेरा कमीशन था, अभी जो एक लिस्ट दी थी हमें कि कुछ लोगों के क्लेम देने हैं, तो हम 100-150 लोगों को कॉलिंग हर डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, पर वो कॉलिंग इनको आज बुलाया हुआ है तो करवाई है कि आओ अपने पेपर सबमिट करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, क्लेम मिलना। वो ठीक है सर, मैं कई बार करा चुका हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका हूँ पहले? यस सर, मैं 4 बार कर चुका हूँ और एक बार यहाँ पे यहीं पे आके। हाँ जी, यहाँ पे आके और विकास भवन जो एप्लीकेशन के लिए बुलाया जाता है, बार बार बुलाने का कोई लॉजिक नहीं है। एक बार जब वो कर चुके सबमिट, छोड़ दीजिए उनको, तो हिज सर्विसेज आर ओवर, इनको छोड़ दीजिए। हमारे फादर तो खुद कहते हैं आप कैश ले लो इनसे, इनसे इनको रिलीव करके आओ। चलो हमारे फादर जो है सर वो कहते हैं इसका बेटा कोई फायदा नहीं आप लोगों को, करवाते हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा अभी हाउस को ऑर्डर में लाने की जरूरत है। सर यहाँ पे भी फार्म भरा जा रहा था कि जब वहाँ से विकास भवन से हम आए थे, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आप जाके यहाँ से फार्म भरो, तो ये जो DLI से लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने फार्म भी आके भरा, तो भी मतलब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, करवाते हैं इसको। आप जाके रिलीव करिए ना उनको, डे सर आप इनको रिलीव करिए, खत्म करिए इनकी नौकरियां से। उनको हमने सस्पेंड कर दिया, बेईमानी कर रहे थे, वो यहाँ पे हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया इनको।